अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल बिलाल प्रोग्रामर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। कि हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ने से पहले अगर आप लोग ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सिंपल सी। इसकी वर्किंग इसके एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे, बहुत आसान है। आप लोगों ने ताश कभी खेली होगी या नहीं खेली तो कभी ताश देखी जरूर होगी खेलते हुए लोगों को। वो क्या करते हैं कि एक पत्ते को पिक करते हैं, उसको चेक करते हैं कि एक उन्होंने पत्ता उठाया, चेक किया कि उनके पास जो पत्ता आ गया वो हाई है या लो है, वो पत्ते को सेलेक्ट करते हैं यानी कि उनके पास जो वो सॉर्टेड है। फिर नेक्स्ट एक पत्ता उठाते हैं, वो जो पहले वाला पत्ता उनके हाथ में है वो दूसरे पत्ते को उठाते हैं, वो चेक करते हैं उसकी लोकेशन कहाँ बनती है, यानी कि जो पहले वाला पत्ता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या जो बाद में आया उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो हाई है या लो है उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। फिर वो थर्ड पत्ते को उठाते हैं, फिर जब तीसरे पत्ते को लिया तो जो पहले से हाथ में मौजूद दो पत्ते हैं उस दो पत्तों के दरमियान में जो तीसरा पत्ता आने वाला आपके हाथ में है उसकी लोकेशन सेट करके उसको उस जगह पे रखते हैं। इसी तरह से फर्दर मजीद जो पत्ते उठाते हैं ताश के उसको जो है सेट करते हैं ताकि एक तरतीब बन जाती है, एक सॉर्टेड में हो जाती है। ताश मैं तो नहीं खेलता, ना ही कभी खेली है मैंने, जस्ट देखा है इस तरह से वर्किंग करती है। लेकिन मुझे इसकी वर्किंग के बारे में बता कि ताश की वर्किंग किस तरह से होती है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है। सेम एज इट हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्शन सॉर्ट में भी ताश वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल से है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जिस आपको एग्जाम्पल दी थी, आप लोगों ने पता भी किया, उसको पकड़ा हाथ में, यानी कि फर्स्ट जो पता है वो समझे आपके पास वो सॉर्टेड है। तो हमारे पास पहला इंडेक्स जो है, हमारे पास पहला एलिमेंट जो है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये सॉर्टेड है। फर्स्ट जो हमारे पास ये नाइन है, नाइन के हमारे पास ये सॉर्टेड है। फिर आपके पास दूसरा पत्ता आता है, दूसरा पत्ता आता है उससे पहले वाले के साथ आप मैच करते हैं। सेम एज इट जब हम लोग दूसरे इंडेक्स में वैल्यू देखते हैं सिक्स, इस सिक्स को हम लोग ये नाइन से कंपेयर करवाते हैं कि नाइन से हमारे पास जो है वो किस लोकेशन पे आएगा सेकेंड पत्ता। हम लोग जानते हैं सिक्स हमारे पास जो लेस देन नाइन है तो हमारे पास सिक्स क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। किस तरह से आएगा, हम लोग इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास सिक्स और उसके बाद नाइन, सिक्स और नाइन आ गया और उसके बाद। क्यों हम लोग ने ऐसा क्यों किया, क्यों हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सिक्स है वो जब पीछे जाके मैच करेगा नाइन के साथ तो ये अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, यानी कि इसकी लोकेशन कम से बनती है नाइन से कम, तो इसका मतलब है नाइन जब नेक्स्ट मूव कर जाएगा, नाइन नेक्स्ट मूव किया तो सिक्स और नाइन बन गया, बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी। जिस तरह फाइव जीरो एट टू सेवन और उसके बाद थ्री, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आफ्टर दैट हम लोग कंसीडर करेंगे दो दो पत्ते या दो हमारे पास एलिमेंट इंडेक्स जो है वो सॉर्टेड हो चुके हैं। जब हम लोग तीसरे पत्ते को पिक करेंगे, तीसरी वैल्यू को लेंगे फाइव, तो ये फाइव क्या करेगा कि प्रीवियस दोनों वैल्यू को चेक करेगा। ये फाइव जो है दोनों वैल्यू को चेक करेगा कि इसकी लोकेशन कौन सी बनती है, कौन सी लोकेशन पे ये जाके सेट होगा। हमें पता है कि फाइव जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आएगा और जो सिक्स है वो आगे मूव हो जाएगा। जब सिक्स आगे मूव होगा तो एब्सोल्युटली नाइन भी है वो भी आगे मूव हो जाएगा, तो इसकी हमारे पास सॉर्टेड क्या बन जाएगी, फाइव सिक्स नाइन, उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा जीरो एट टू सेवन थ्री। इस तरह से हमारे पास जो है बन गई। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि हमने जब फाइव को पिक किया और पीछे वाले जो हमारे पास दो इंडेक्स है दो पत्ते तो उसको मैच किया तो हमारे पास इसकी जो लोकेशन आ रही थी हमने उसको उस लोकेशन पे पहुंचा दिया। अब हमने ये कंसीडर करना है कि हमारे पास जो पहले तीन इंडेक्स आ गए या पहले तीन पत्ते जो हमारे हाथ में वो ऑलरेडी वो सॉर्टेड हो गए, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जीरो। अब ये जीरो क्या करेगा, प्रीवियस सब के सब जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब आप इसको कंपेयर करेंगे इसकी लोकेशन कौन सी बनती है। जिससे आपके पास ऑलरेडी तीन पत्ते आपके हाथ में हो, जब आप चौथा पत्ते को पिक करेंगे ताश के पत्ते को तो हम लोग चेक करेंगे कि तीनों में से उसकी लोकेशन कौन सी बनती है, उसको उस लोकेशन में इंसर्ट कर देंगे। सेम मैजिक हम लोग जो है इसको भी ऐसे ही देखेंगे, हमारे पास ये कौन सी लोकेशन पे आता है स्टार्टिंग में, जब ये जीरो पे आया तो फाइव एक स्टेप आगे चला जाएगा, जीरो फाइव सिक्स नाइन एट टू सेवन थ्री।
हमारे पास अभी है इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो लग जाएंगी। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास जो फोर एलिमेंट्स हैं, जो फोर पत्ते जो हमारे पास हैं वो हमारे पास सॉर्टेड हो गए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8। इस 8 को हम लोग जो है प्रीवियस चेक करेंगे फर्स्ट के साथ, 9 के साथ, 9 के बाद हम लोग 6 में चेक करेंगे। हम जानते हैं कि 6 से जो है वो प्रीवियस ही रहेगा, जो 8 होगा वो यहाँ पे सेट होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग पीछे और चेक करेंगे, जो हमारे पास पीछे वाली वैल्यूज है उनको भी चेक करेंगे कि कहीं वहां इसकी लोकेशन वहां तो नहीं आती। फिर प्रीवियस चेक करेंगे, प्रीवियस किसी पे नहीं आती तो ये आगे ये फेल हो जाएगा। जहां पर इसकी लोकेशन आती है 6 के आगे, तो ये क्या होगा कि 8 जो है यहाँ पर आके सेट हो जाएगा। अब ये किस तरह से सेट होगा हमारे पास, हम लोग इसको जो है वो राइट करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 0, 5, 6, 8। अब ये जो हमारा 8 है वो इस जगह पे आ जाएगा, तो 6 क्या होगा आगे मूव होगा। जब 6 आगे मूव होगा तो 9 भी आगे चला जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 0, 5, 6, 8, 9, 2, 7, 3। हम लोग इसके अंदर जो है लाइनें लगा देते हैं, इसको ब्लॉक बना देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं, यहां तक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास जो है वो सॉर्टेड हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे 2। अब ये 2 जो होगा वो क्या करेगा, फिर प्रीवियस जो सबके साथ टैली करेगा अपने आप को। हम लोग टैली करेंगे कि इसकी लोकेशन कौन सी बनती है। इसकी लोकेशन हमारे पास यहां से यहां पर बनती है, तो ये क्या होगा 0, 2, 5, 6, 8, 9, 9, 9 के बाद 7 और 3 हमारे पास ये बन जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 9 तक वैल्यू यहाँ पर जो है सॉर्टेड हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 7। फिर 7 को फिर से हम लोग कंपेयर करवाएंगे सबके साथ, इसकी लोकेशन कहाँ बनती है 8 और 7 के दरमियान पे। फिर हम लिखेंगे 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद हम लोग जो है इन सबको जो है लगा देंगे। फिर हमारे पास 3 आ गया। फिर हम लोग ये कंसीडर करेंगे यहां तक हमारे पास वैल्यू सॉर्टेड होगी, लास्ट में क्या बचा 3। 3 ने भी सबके साथ जो कंपेयर होना है, जो इसकी लोकेशन बनेगी उसको हम लोग ने उसके जाके सेट कर देना। हमारे पास लोकेशन क्या बनती है 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। तुम्हारे पास ये बन गई, हमारे पास ये एरे जो है वो सॉर्टेड हो गए। हमारे पास एक टेक्निक नंबर जो है वो हमारे पास हो गए सॉर्ट हो गए बाय इंसर्शन सॉर्ट। जो हमारे पास स्टार्ट में थे वो हमारे पास जो थे वो अनसॉर्ट थे, बट अब जो हमारे पास जो वैल्यू है वो सॉर्टेड होगी। तो ये होता है इसका सिंपल सा मेथड, इसको वैल्यूज को जो सॉर्ट आउट करने का। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमें पता है कि हम लोग इसको डायरेक्ट जो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरा दोस्त जब हम लोग पढ़ते थे वो अक्सर ये कहता था कि हम लोग ये सारे प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज क्यों करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसमें लिख दें। बट इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, बट मशीन को नहीं पता चलेगा, कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से उसने इसको जो है सॉर्टेड करना है। इस वजह से वो हर वैल्यू को आगे और नेक्स्ट वैल्यू को मूव कराती है, चेक करती है, उसके हिसाब से इसको जो है वैल्यू को चेंज करती है। तो मैं कहता हूँ आपको जो है आज का लेक्चर जो है इंसर्शन सॉर्ट का कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है अनदर सॉर्टिंग टेक्निक को पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।